श्री राजपूत कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में देर रात निधन हो गया। कालवी का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ। उनका लंबे समय से अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक के आने के कारण इलाज चल रहा था। वे एसएमएस के मेडिकल आईसीयू में भर्ती थे। कालवी के निधन की खबर से राजस्थान सहित पूरे प्रदेश भर के समर्थकों में शोक की लहर है। कालवी का अंतिम संस्कार नागौर जिले के उनके पैतृक गांव कालवी गांव में होगा। केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ राजपूत समाज और सभी समाज के लोग कालवी की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन, अंतिम संस्कार पैतृक गांव में होगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? निश्चित रूप से कालवी न केवल नागौर वरन पूरे राजस्थान में राजपूत समाज के एक बड़े क्षत्र के रूप में पहचाने जाते थे। उनकी पहचान कर्णी सेना के संस्थापक के रूप में थी ही, इसके अलावा क्षेत्र में वह सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते थे। न केवल मैं ये बताना चाहूंगा, उनके पिताजी लोकेंद्र सिंह कालवी नागौर क्षेत्र के बड़े नेता थे और पूर्व बाड़मेर से सांसद भी रह चुके थे। इस नाते न केवल राजपूत समाज वरन नागौर जिले में उनका जो है परिचय घर घर में था और वही भूमिका लोकेंद्र सिंह के बाद इनके पुत्र ने संभाली थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो श्री राजपूत कर्णी सेना के संस्थापक और समाज सेवी लोकेंद्र सिंह कालवी का सोमवार देर रात निधन हो गया। हमारे साथ फोन लाइन पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जुड़े हुए हैं। सुखदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन न्यूज पर। कितना बड़ा नुकसान मानते हैं समाज के तौर पर और प्रदेश में लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन से? दुखद समाचार मिला, सुनकर के बहुत दुख हुआ। समाज का एक युग सा ही खत्म हो गया। समाज सेवा के लिए वो हमेशा अग्रणीय रहते थे, राजनीति को महत्व नहीं देते थे, समाज सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी। उनका कहना था, जो अपनी जात का नहीं वो अपनी बाप का नहीं। और आज राजपूत समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। सुखदेव सिंह जी, आपने मुलाकात की होगी कई बार, किस तरह से आपके संबंध थे और समाज तौर पर आपने जैसे कहा कि सामाजिक सरोकार में हमेशा आगे रहते थे लोकेंद्र सिंह, तो आप उस कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को? वो देखो, सरकारों को महत्व नहीं देते थे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो समाज को सर्वप्रथम प्रायोरिटी पर रखते थे और समाज के उत्थान के लिए लड़ते थे। उन्होंने हजारों युवा तैयार किए हैं पूरे भारत के अंदर, जो इस मुहिम को आगे लेकर के चल रहे हैं। आप लोग देख रहे हो, आज पूरे भारत के 26 स्टेट के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना बनी है। तो कर्णी सेना के संस्थापक तो वो कालवी साहब ही थे, अब उनकी शाखाएं हैं, शाखाएं पूरे भारत के अंदर काम कर रही हैं और करती रहेगी। आज तो राजपूत समाज को बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, तो श्री राजपूत कर्णी सेना के संस्थापक और समाज सेवी लोकेंद्र सिंह कालवी का एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया।